नमस्कार दोस्तों, सर्विस कनेक्ट चैनल में आज दोस्तों हम लेकर आए हैं आपके लिए एक वीडियो हैवेल्स कंपनी की विंडस्टॉर्म 500 mm की पेडेस्टल फैन। ये पेडेस्टल फैन फराटा नाम से भी जाना जाता है। कंप्लीट मेटल बॉडी का फैन है। इसके कंप्लीट अनबॉक्सिंग करेंगे, कुछ फीचर्स के बारे में बताएंगे और इंस्टॉलेशन के भी करके दिखाएंगे। तो सबसे पहले दोस्तों देख लीजिए, 2 साल गारंटी के साथ आ रहा है। इसके जो साइज है, साइज जो है 500 mm, मतलब ये जो साइज आप देख रहे हैं ये 500 mm की इसकी साइज, स्वीप साइज 500 mm। इसके फीचर्स में से क्या क्या दिया गया, 3 स्पीड कंट्रोल। इसके ठीक बैक साइड में दिखाएंगे दोस्तों, 3 स्विच है जिसमें 3 स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं। इसके RPM 1400 RPM की फैन है। ब्लेड 1 मिनट में 1400 RPM तक घूमेगा। उसके बाद देखिए कुछ और फीचर। इसके कलर दिया है, मेटालिक फिनिशिंग कलर दिया है। पावरफुल एनर्जी एफिशिएंट हैवी ड्यूटी मोटर, तो इसका जो मोटर है वो हैवी ड्यूटी है। उसके बाद देखिए इसकी एडजस्टमेंट, ये जो इसके डाउन रॉड का एडजस्टमेंट 1060 mm से लेके 1260 mm तक इसके हाइट एडजस्टमेंट होगा, जो आगे हम वीडियो में दिखाएंगे। इसके अलावा कुछ और फीचर दिया है। देखिए इसकी ब्लेड एरोडायनामिकली डिजाइनिंग, थ्री लेप मेटल ब्लेड। ये देखिए तीन डिजाइन का ब्लेड इसमें मिल रहा, जो कंप्लीट मेटल बॉडी का। अभी इसके हम और डिटेल दिखाते हैं कुछ जो बॉक्स में दिया गया दोस्तों। ये देखिए हैवेल्स इलेक्ट्रिकल पेडेस्टल फैन। इसके जो मॉडल नेम है विंडस्टॉर्म मॉडल। इसके देखिए ऑर्डर कोड, इसके कलर, 500 mm साइज, क्वांटिटी 1। इसकी ऑपरेटिंग वोल्टेज जो है 220 से लेकर 240 वोल्ट में ये ऑपरेट करेगा। इसके MRP जो कंपनी की तरफ से बॉक्स में दिया गया, देखिए 5010 रुपीज़ इसकी MRP। इसका मैन्युफैक्चरिंग हुआ है मार्च 2021 में, तो इसी साल का मैन्युफैक्चरिंग है। और नीचे में कुछ ऑफिस की डिटेल, तो हैवेल्स ऑफिस की डिटेल, कस्टमर केयर की नंबर भी इसके में दिया गया है। देखिए कस्टमर केयर की नंबर। तो दोस्तों अभी इसको हम अनबॉक्सिंग कर लेते हैं, बॉक्स से बाहर करके एक एक पार्ट आपको करके हम दिखा रहे हैं। हाँ दोस्तों, अभी हम देखिए बॉक्स से इसको बाहर कर लिए हैं। हैवेल्स की फराटा विंडस्टॉर्म फैन, ये इसकी हैवी ड्यूटी जो मोटर का बात किए थे, ये है हैवी ड्यूटी मोटर। अभी देखिए इसके बाहर हम निकाल दिए हैं, अभी फिटिंग करेंगे। इसके पीछे में स्विच दिया गया जिसमें हाई मीडियम लो। इसके अलावा कंप्लीट मेटल बॉडी, इसकी ब्लेड, एक ये देखिए पाइप असेंबली, ये बेस हो गया, ये भी कंप्लीट मेटल का है। और एक प्योर स्टील का आप देख पा रहे हैं इसके जो गार्ड है, 500 mm इसकी साइज। सामने का लोगो हैवेल्स का दिया गया है। 2 जाली है, एक बैग जाली, तो कंप्लीट स्टील की जाली दिया गया है इसके साथ। अभी इंस्टॉलेशन कैसे करना है, तो देखिए हम कुछ टूल किट लिए हैं, आप ये सब स्कूल किट जो इसमें ज़रूरत पड़ेगा आप ले सकते हैं। सबसे पहले बेस को पाइप से हमको फिटिंग करना है, तो देखिए 3 इसमें नट बोल दिया गया है और सेम बेस में भी देखिए 3 होल है, तो 3 हम इसको खोल लेंगे और इसमें टाइट करेंगे। तो दोस्तों देखिए आगे कैसे करके इसको हम टाइट करते हैं। दोस्तों इसको हम तीनों नट इसमें डाल दिए हैं। आप प्लास और स्पेनर से इसको बढ़िया से इसको टाइट कर लीजिए, क्या ये आपको अच्छा से टाइट होना चाहिए। हम देखिए यहाँ पर सेलर रेंच भी रखे हैं जिसके जरिए इसको हम कम्प्लीटली इसको टाइट कर लेंगे। ये जितना अच्छा टाइट रहेगा ये उतना बढ़िया रहेगा। इसमें दोस्तों बैस में आप ध्यान दीजिएगा, चारों देखिए सब जगह रबर दिया गया, जो किसी भी फ्लोर में इसको रबर ही देने चलते किसी भी स्क्रैच वगैरह आने का कोई का ये चांसेस नहीं है और वाइब्रेट वगैरह भी नहीं करेगा। तो मेरा बैस देखिए लग के प्राय कम्प्लीट हो गया। तो सबसे पहले आप बैस को बढ़िया से टाइट कर लीजिए। नीचे एक रबर दिया गया है, देखिए इस रबर को यहाँ नीचे उतार दिया। ये बेस का कैप है, इस नट बोल्ट ढकने के लिए बेस का कैप दिया गया है। और ये देखिए एक रबर है जो इसको आप नीचे दे दीजिए। इसके बाद आपको मोटर को फिटिंग करना है, तो देखिए मोटर फिटिंग के लिए यहाँ पर हाइट एडजस्टमेंट के लिए के दिया गया है, स्क्रू दिया गया है। तो आपको जिस हाइट में मोटर को रखना है उस हाइट में इसको आप सेट कर लीजिए। तो देखिए इसमें 3 नट दिया गया है जो अभी आपको मोटर फिटिंग करने के लिए, तो हम 2 ऑलरेडी खोल चुके हैं, एक इसको आप तीनों इसको स्क्रू को यहाँ पर खोल दीजिए। तीनों खोलने के बाद सिंपली देखिए ये जो हम पाइप बेस में फिटिंग किए थे ये हाइट एडजस्टमेंट के लिए दिया गया है, जो पाइप को आप सिंपली कर दीजिए जैसे तीनों होल इसमें मैच कर जाए, किसी भी जगह से आप घुमा सकते हैं। तीनों देखिए मैच कर जा रहा है। अब इसमें हम यही नट इसको लगा देंगे इसके अंदर में, तो हम यहाँ इसके सीधा देख के
इसको टाइट कर लेंगे। थोड़ा सा आपको हल्का से उठाना पड़ेगा और इसको बढ़िया से इसको यहाँ से टाइट कर लीजिए। तो देखिए ये मेरा कंप्लीट मोटर यूनिट पाइप बेस अभी लग के तैयार। अब हमको लगाना है इसके बैक गार्ड। तो देखिए चार हम यहाँ पर स्क्रू का ये नट है, इसको हम खोल लेते हैं। इसके वाशर भी दिया गया है, तो एक एक वाशर हम इसके साइड में देंगे। तो देखिए यहाँ पर चारों साइड में चारों वाशर आप इसमें डाल दीजिए। उसके बाद आपको जाली को टाइट करना है। ये इसका बैक जाली। तो बैक जाली लगाने से पहले एक ध्यान लीजिएगा दोस्तों, इसके जो ऊपर इसको हैंग करने के लिए दिया गया है तो ये ऊपर पोजीशन में रहना चाहिए। तो हमको उस टाइप से इसको फिटिंग करना है। देखिए चार होल है, सिंपल ये चार होल में इस टाइप से आप फिटिंग कर सकते हैं। तो ये चारों उधर में चार वाशर है। अभी हम लोग क्या करेंगे, एक एक वाशर इसमें डाल के इसको कंप्लीट हम टाइट कर लेंगे। तो इस टाइप से हम इसको जाली को टाइट करेंगे। प्लास के मदद से आप इसको टाइट कर लीजिए। तो देखिए दोस्तों हम चारों को बहुत बढ़िया से इसको टाइट कर लिए हैं। इसके बाद आपको ब्लेड को फिटिंग करना है। तो ब्लेड का देखिए पोजीशन कैसे रखना है, इधर देखिए दिख रहा है और इधर दिख रहा है। तो ब्लेड के जो पोजीशन है ये सामने फ्रंट है, इसके बैक साइड इधर रहेगा। तो देखिए यहाँ पर इसका लोगो भी दिखा हुआ है, तो इसको हम बैक साइड रखना है। इसको फिटिंग कैसे करना है, देखिए शाफ्ट में कटिंग है और इसमें भी ये दिखाया गया है। तो ये कटिंग इस टाइप से ऊपर रख के हम इसको ब्लेड को इसमें दे देंगे। अब ब्लेड को देखिए, ब्लेड को हम टाइट कर लिए हैं इस टाइप से टाइट कर। उसके बाद एक पिन है, इस पिन को ब्लेड के आगे में सिंपल एक होल दिया गया है, इसको इस पिन के अंदर इसको पहना दीजिए। ये देखिए इसकी बैक गार्ड को हम थोड़ा सा इसमें लूज कर दिए हैं। अब इसकी फ्रंट गार्ड, तो इसको हम लगाएंगे। तो सबसे देखिए इसके लोबो जो है ये फ्रंट में होना चाहिए। तो हम इस टाइप से इसको फ्रंट में देके इस गार्ड के अंदर इसको हम फंसा लेंगे। और उसके बाद इसकी जाली हो गया। अब इसके अंदर जो गार्डरिंग में स्क्रू है इसको हम बढ़िया से टाइट कर लेंगे। देखिए इस टाइप से इसको टाइट कर लेंगे। तो मेरा पंखा कंप्लीट इंस्टॉलेशन हो चुका है, फराटा बिनस्टॉम मॉडल। आप इसके लुक कंप्लीट देख सकते हैं, इसके लुक देख लीजिए। तो देखिए इसका बेस, तो मार्बल में भी ये बेस में देखिए स्क्रैचेस वगैरह इसमें नहीं आएगा, नीचे रबर दिया गया है। अभी इसको हम ऑन करके दिखाएंगे। इसका बैक पोजीशन एक बार हम दिखाते हैं। ये इसकी बैक पोजीशन हुआ, ये पंखा का बैक पोजीशन। इसमें 6 एम्पियर की पावर प्लग दिया गया है। तो हम प्लग को इसको ओपन करेंगे और इसको पावर से कनेक्ट करके के बाद दिखाएंगे। इसको अभी हम पावर से कनेक्ट कर दिए हैं, इसको एक बार चला के हम दिखाते हैं। तो ये देखिए पावर से कनेक्ट कर दिए। इसके आवाज़ भी आप सुन सकते हैं, किस टाइप से आवाज़ वगैरह। सामने अभी कुछ प्लास्टिक है जिसको हम अभी निकाले नहीं हैं। इसको तो देखिए इसकी हवा आप देख सकते हैं और इसकी आवाज़ भी सुन सकते हैं वीडियो में। 3 स्पीड कंट्रोल है, हाई, मीडियम और लो। तय हो गया सबसे फुल स्पीड में, इसको कम कर सकते हैं। तो हाई, मीडियम, लो है 3 स्पीड। तो दोस्तों ये है बिनस्टॉम हैवेल्स की फ़ैन, जो आप फराटा फैन से भी जाना जाते हैं। इस फैन को आप लेना चाह रहेंगे तो हम ऑनलाइन लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, जहां से इसकी प्राइस चाहे इसके कस्टमर रिव्यू भी जान सकते हैं। और ये आपको हैवेल्स की नियरेस्ट स्टोर में भी इस फैन को आपको मिल जाएगा, हैवेल्स की बिनस्टॉम मॉडल। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, और चैनल में नए हैं तो दोस्तों नीचे रेड बटन में चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इस टाइप से नया नया वीडियो हम आपको इस चैनल में लेके आएंगे। नमस्कार।